हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक एंड वेलकम टू द माय चैनल डीके कोडिंग सेंटर। तो फ्रेंड्स, मैं एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस का। इसमें मैं रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सभी क्वेश्चंस को कवर करूँगा और उसमें लगभग सभी टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और इंटरव्यूअर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पूरी कोशिश कीजिए कि आप कोडिंग के साथ उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें, ठीक है। इसीलिए मैं इसमें जितने भी क्वेश्चंस को कवर करूँगा उसका प्रॉपर कोडिंग के साथ एक्सप्लेनेशन दूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप इंटरव्यूअर को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें और इंटरव्यूअर को कन्विंस कर सकें, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप रिएक्ट का इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप फ्रेशर्स हैं, तो 99% चांस है कि आपसे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, व्हाट इज रिएक्ट जेएस। ओके, रिएक्ट जेएस है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले ये बेसिक क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि रिएक्ट जेएस क्या है, ठीक है। सो रिएक्ट जेएस इज एन ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज टू बिल्ड कंपोजिशनल यूजर इंटरफेसेस स्पेशली फॉर सिंगल पेज एप्लीकेशंस। इट इज यूज फॉर हैंडलिंग द व्यू लेयर फॉर वेब एंड मोबाइल एप्स बेस्ड ऑन द कंपोनेंट इन ए डिक्लेरेटिव अप्रोच। इसका क्या मतलब है वो देखते हैं, ठीक है। रिएक्ट जेएस इज एन ओपन सोर्स फ्रंटेड जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ओके, ये एक जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, ठीक है, विच इज यूज टू बिल्ड कंपोजिशनल यूजर इंटरफेसेस। यूजर इंटरफेसेस का मतलब जो आप यूजर को दिखाते हैं, अपना वेबसाइटर्स को जो दिखता है उसको बोलते हैं यूजर इंटरफेसेस या फ्रंटेड, ठीक है। तो ये फ्रंटेड के डेवलपमेंट में यूज होता है, ठीक है, रिएक्ट जेएस, ठीक। और स्पेशली फॉर सिंगल पेज एप्लीकेशंस, स्पेशली फॉर सिंगल पेज एप्लीकेशंस का मतलब है कि रिएक्ट जेएस का यूज करके आप सिंगल पेज एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशंस का मतलब क्या है, जैसे अगर आप HTML, CSS और JavaScript का यूज करके कोई वेबसाइट बनाते हैं और आप एक पेज से दूसरे पेज पर मूव करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है बार बार रिफ्रेश करती है। जितने टाइम भी आप मूव करते हैं उतने टाइम आपकी वेबसाइट रिफ्रेश करती है। तो ये होता है मल्टीपल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। और सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या होता है, जब आप रिएक्ट का यूज करके कोई वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, और आप एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करते हैं, तो आपकी वेबसाइट कभी भी रिफ्रेश नहीं होती है, वो एक ही बार रिफ्रेश हुई रहती है और पेज आपका खुलता जाता है, ठीक है। तो ये होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन के बनाने में काम आता है, ठीक है। इट इज यूज फॉर हैंडलिंग द व्यू लेयर फॉर वेब एंड मोबाइल एप्स बेस्ड ऑन द कंपोनेंट इन ए डिक्लेरेटिव अप्रोच। मतलब कि ये आपका वेबसाइट जो है मोबाइल में कैसा दिखेगा और लैपटॉप में कैसा दिखेगा, इसको व्यू को हैंडल करने के लिए काम में आता है, ठीक है। अब देखते हैं इसको बनाया किसने था। रिएक्ट वॉज क्रिएटेड बाई जॉर्डन वॉक, ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग फॉर फेसबुक, ठीक है। तो जॉर्डन वॉक नाम का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो कि फेसबुक में काम करता था, उसने रिएक्ट को बनाया था, इसको क्रिएट किया था, ठीक है। रिएक्ट वॉज डिप्लॉयड ऑन फेसबुक न्यूज फीड इन 2011 एंड ऑन इंस्टाग्राम इन 2012, ठीक है। तो फेसबुक पे डिप्लॉय हुआ था 2011 में और इंस्टाग्राम पे 2012 में। तो ये तो गई कंप्लीट जानकारी कि रिएक्ट जेएस है क्या। रिएक्ट जेएस सिंपली एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो कि यूजर इंटरफेसेस या फ्रंट एंड डेवलपमेंट के काम में आता है, स्पेशली फॉर सिंगल पेज एप्लीकेशन, स्पेशली फॉर सिंगल पेज एप्लीकेशन को बनाने में काम आता है, ठीक है। इसको बनाया था जॉर्डन वॉक नामक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने जो कि फेसबुक में काम करता था, और इसको पहली बार फेसबुक पे डिप्लॉय किया गया था 2011 में और इंस्टाग्राम पे 2012 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि रिएक्ट जेएस क्या है, ये कंप्लीट जानकारी है। तो अब आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि बहुत ही बेसिक है, व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ रिएक्ट, रिएक्ट के मेजर फीचर्स क्या है भाई, इसको क्यों यूज करें, दूसरे जो वेब डेवलपमेंट टूल्स हैं उसको क्यों नहीं यूज करें, ठीक है। तो इसका जो मेजर फीचर्स है उसको देख लेते हैं। तो पहला है यूजेस जेएसएक्स सिंटेक्स, ए सिंटेक्स एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट दैट अलाउ डेवलपर टू राइट एचटीएमएल इन देयर जावास्क्रिप्ट कोड। अगर आप रिएक्ट पे कोडिंग किए हैं तो आप देखे होंगे कि जब भी आप फाइल बनाते हैं डॉट जेएस सिंटेक्स का, डॉट जेएस एक्सटेंशन का यूज करते हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं और उसमें आप जो एचटीएमएल लिखते हैं उसको बोलते हैं जेएसएक्स, ठीक है। तो ये जेएसएक्स का यूज करता है सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक। इट यूजेज वर्चुअल डॉम इंस्टेड ऑफ रियल डॉम कंसिडरिंग दैट रियल डॉम मैनिपुलेशन आर एक्सपेंसिव। अगर आप जावास्क्रिप्ट का यूज करके कोई वेबसाइट बनाते हैं तो आपने पढ़ा होगा डॉम मैनिपुलेशन, ठीक है। तो उसमें आप क्या करते हैं, रियल डॉम को मैनिपुलेट करते हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है।
रिएक्ट में क्या होता है, रिएक्ट वर्चुअल टर्म को पहले मैनिपुलेट करता है, फिर उसको रियल टर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये वर्चुअल टर्म को मैनिपुलेट करता है, ये काफ़ी मतलब कि रियल टर्म मैनिपुलेशन से काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है हमारा सपोर्ट सर्वर साइड रेंडरिंग विच इज़ यूजफुल फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सर्वर साइड रेंडरिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है फॉलो यूनी डायरेक्शनल या वन वे डाटा फ्लो या डाटा बाइंडिंग, ठीक है। अगर आप रिएक्ट यूज़ किए होंगे तो आपने एक चीज़ देखा होगा, हम किसी डाटा को पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में भेजते हैं, ठीक है। तो वन वे डाटा फ्लो होता है या यूनी डायरेक्शनल डाटा फ्लो होता है इसमें, ठीक है। यूजेज रीयूजेबल यूजर इंटरफेसेस कंपोनेंट टू डेवलप द व्यू, ठीक है। ये जो भी आप कंपोनेंट डेवलप करते हैं रिएक्ट में, उसको आप रीयूजेबल मतलब उसको आप रीयूज कर सकते हैं, उसको दोबारा यूज कर सकते हैं किसी और प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि रिएक्ट का फीचर से, पहला ये JSX यूज़ करता है, वर्चुअल डॉम को मैनिपुलेट करता है, ठीक है, सर्वर साइड रेंडरिंग होती है, यूनी डायरेक्शनल डाटा फ्लो होता है, और लास्ट वाला है रीयूजेबल कंपोनेंट बना सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये रिएक्ट JS के मेजर फीचर्स है, और ये दोनों बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, इसमें कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं थी, ये आपको दिमाग में आना चाहिए कि रिएक्ट क्या है, रिएक्ट JS क्या है और इसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी देखेंगे उसमें कोडिंग के साथ मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता जाऊँगा, ठीक है। तो अगर वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में रह गया तो उसको कमेंट कर दीजिए, मैं उसका एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत से वीडियो बनाने वाला हूँ और बहुत ही यूनिक वीडियो बनाने वाला हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए, थैंक यू।